दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो दूसरों से जरा हटके और अलग होते हैं। कुछ लोग अपने अजीब और गरीब कारनामों की वजह से जाने जाते हैं तो कुछ लोग अपने हाइट की वजह से, और यही बात उन्हें दूसरों लोगों से अलग बनाती है। और इन्हीं में से एक है याओ डिफेन। याओ डिफेन चीन की रहने वाली महिला थी जिन्हें सन 2009 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे लंबी महिला का खिताब दिया था। याओ की लंबाई 7 फीट 8 इंच थी। इनकी लंबाई की वजह पिट्यूटरी ग्लैंड को बताया था, जिन्हें आप पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं। इस ट्यूमर की होने की वजह से जब याओ डिफेंस 11 साल की थी तब उनकी लंबाई 6 फीट 2 इंच हो गई थी। इन्हें एक अच्छी मेडिकल हेल्प मिल सके इसके लिए ब्रिटिश टेलीविजन ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी ताकि इनके इलाज के लिए पैसा जमा किया जा सके। उस डॉक्यूमेंट्री के बाद ग्रोथ हार्मोन पर काम करने वाले दो बेहतरीन डॉक्टर याओ की मदद करने के लिए आ गए, लेकिन फिर भी 40 साल की उम्र में याओ डिफेंस ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वैसे दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आज के फैक्ट को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।